नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। बलूचिस्तान में बस से उतारकर 14 यात्रियों की गोली मारकर की हत्या। बलूचिस्तान प्रांत में 15 से 20 हमलावरों ने एक बस में सवार 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। दो लोगों ने किसी तरह से भागकर जान बचाई। अभी तक हमले की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। हमलावरों की पता लगाने में भी पुलिस नाकाम साबित हुई है। जिस बस के यात्रियों को निशाना बनाया वो कराची से ग्वादर जा रही थी। हमलावरों ने 5 से 6 बसें रुकवाई थी। टिकट मिलते ही महाकाल की शरण में प्रज्ञा बोली, दिग्विजय चुनौती नहीं। भोपाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार रात महाकाल दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन कर जीत की कामना की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, वे केवल कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को किसी प्रकार की चुनौती नहीं मानती। उनके लिए ये चुनाव धर्म और अधर्म के युद्ध जैसा है। इसमें निश्चय ही धर्म की जीत होगी। जो केवल धर्म का नाटक करते हैं वह हमेशा असफल रहते हैं। हरियाणा में नहीं होगा कांग्रेस का गठबंधन। हुड्डा का दावा, अकेले दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने भी साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कुल मिलाकर हुड्डा साहब हरियाणा में गठबंधन के खिलाफ है और आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां खुद अपने दम पर चुनाव लड़े। बिना धोनी बेअसर दिखी चैंपियन चेन्नई, कप्तान रैना को मिली करारी हार। अनुभवी विकेटकीपर, बल्लेबाज और नियमित कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए कितने उपयोगी खिलाड़ी हैं, ये इस टीम को बुधवार को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में पता चला। धोनी पीठ दर्द के कारण इस मैच में खेलने नहीं उतरे और उनके नहीं खेलने से सीएसके का मध्य क्रम पूरी तरह से बिखर गया। धोनी 9 साल बाद चेन्नई टीम के लिए मैच में नहीं खेल पाए। टीम किसी तरह 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना पाई। दीपिका पादुकोण की अपनी अगली फिल्म छपाक है, जिसकी शूटिंग में वह काफी व्यस्त हैं। कुछ दिन पहले इस फिल्म के सेट से कुछ वीडियो लीक हुए थे। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दीपिका और विक्रांत मेसी को शूटिंग करते हुए देखा जा सकता है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।